तो हे गाइस, रिसेंटली राउंड टू हेल की एक और इंटरव्यू आउट हुआ है एंटरटेनमेंट लाइव चैनल पे, जहाँ पे जब उनको उनका पूरा यूट्यूब करियर का कुछ डार्क फेज एंड कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया, तब उनका क्या रिएक्शन था देखिए। अच्छा, जब ना हर एक की एक जर्नी होती है, जैसे आप तीनों की भी एक जर्नी रही है, आपके चैनल को 5 साल हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसकी एक जर्नी रही है। कोई डार्क फेज आया है अभी तक आपके पूरी की पूरी यूट्यूब की जर्नी में, जहाँ पर आपको लगा हो कि चीजें वैसी गई ही नहीं जैसी हम चाह रहे थे, या कुछ अलग ही हो गया बिल्कुल? हाँ, कह सकते हैं बहुत चीज़ें हैं हमारे साथ जो मतलब लोग ऐसा दिखा देते हैं कुछ लोग कि वही ये चीज़ ऐसे थी, लेकिन वो ऐसी कभी नहीं थी, है ना। जैसे अभी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं हमारे साथ तीन चार, तो वो हम कभी ऐसा सोच के नहीं बनाते कि हम, लेकिन पता नहीं लोग किस वे में उस चीज़ को दिखा देते हैं, ले लेते हैं, पहले नहीं लेते, बाद में उसमें से छांट कर दिखा देते हैं। कुछ लोग हैं लेकिन हमारे फैंस उस चीज़ में ही बहुत सपोर्ट करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। उन लोगों को कमेंट्स में ही बताते हैं कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, जब भी कंट्रोवर्सी शुरू होने वाली होती है या एंड होने वाली होती है। ऐसा कभी इंटेंशन होता ही नहीं हमारा, मतलब ऐसा, क्योंकि हम तो फन के लिए हाँ, बनाते हैं और बहुत अब सोच समझ बाकी कर बनाते हैं। अनइंटेंशनली अगर कुछ निकल जाता तो हम उसके लिए वैसे ही सॉरी बोल देते हैं कि ऐसा।